हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले लिंग निर्धारण को शॉर्टकट में आपको बता देते हैं कि इसमें होता क्या है, इसके बाद डिटेल से आपको समझाएंगे। ये देखिए, ये पुरुष की जनन कोशिका है और ये है स्त्री की जनन कोशिका। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ या मियोसिस हुई तो 50% एक्स यानी 50% मादा तथा 50% वाई या नर प्रकार के गुणसूत्र बने, और स्त्री में मियोसिस के बाद सभी गुणसूत्र एक्स प्रकार के ही बनते हैं या मादा प्रकार के ही बनते हैं। अब दोनों के बीच निषेचन हुआ, तो निषेचन के समय दो प्रकार के शुक्राणुओं में से जब एक्स शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो उससे लड़की उत्पन्न होती है। मतलब जब पुरुष का एक्स शुक्राणु अंडे के एक्स शुक्राणु को निषेचित करता है तो लड़की पैदा होती है, और इसी प्रकार से जब पुरुष का वाई गुणसूत्र अंडे को निषेचित करता है तो लड़का उत्पन्न होता है। यानी जो पुरुष का वाई शुक्राणु है ये अंडे को निषेचित करता है तो लड़का उत्पन्न होता है। चलिए अब डिटेल से लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन तथा मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, चित्रों के माध्यम से आपको डिटेल से समझा देते हैं ताकि अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाए। चलिए सबसे पहले लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद आपको मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है इसे समझाएंगे। तो लैंगिक जनन करने वाले जीव एक लिंगी तथा द्विलिंगी होते हैं, अथवा अंग्रेजी में कहें तो यूनिसेक्चुअल और बाईसेक्चुअल होते हैं। एक लिंगी का अर्थ है कि नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग जीव में हों। मतलब जब नर तथा मादा जननांग अलग अलग पाए जाते हैं तो एक लिंगी कहा जाता है। एक लिंगी का सबसे अच्छा उदाहरण मनुष्य है। मनुष्य में आप सभी लोग जानते हैं नर और मादा अलग अलग होते हैं, इसीलिए एक लिंगी प्राणी मनुष्य होता है, जिसे लैंगिक द्विरूपता भी कहा जाता है, अथवा अंग्रेजी में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो जब नर तथा मादा जननांग एक ही जीव में उपस्थित होते हैं तो उसे द्विलिंगी कहते हैं। अर्थात जब एक ही जीव शरीर में नर तथा मादा दोनों जनन अंग उपस्थित हों तो उसे ही द्विलिंगी या बाईसेक्सुअल कहा जाता है। द्विलिंगी जंतुओं में जैसे केचुए में एक ही जंतु में यानी एक ही शरीर में नर तथा मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, इसलिए ये द्विलिंगी जंतु हुआ। आप लोगों को बताते चलें कि कुछ निम्न श्रेणी के जंतुओं के अतिरिक्त सभी जंतुओं में नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं। बहुत से जंतु समूह ऐसे होते हैं जिनमें नर और मादा जंतुओं को बाहर से ही देखकर पहचाना जा सकता है। जैसे मनुष्य, मनुष्य को आप बाहर से देखकर ही पहचान सकते हैं कि नर कौन सा है और मादा कौन सा है। बता दें कि मेंडलवाद के प्रयोगों की खोज के बाद अनेक वैज्ञानिकों ने लिंग निर्धारण की तरफ ध्यान दिया। यानी जब मेंडल ने कई सारे खोजें किए, नियम निकाले, इसके बाद अनेक वैज्ञानिकों ने लिंग निर्धारण की तरफ ध्यान दिया, जिसमें मैकलंग्स, बिल्सन्स, स्टीवेंस आदि वैज्ञानिकों ने लिंग निर्धारण का पता लगाया। वैज्ञानिक मैकलंग ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद प्रस्तुत किया। अर्थात मैकलंग ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके अनुसार सभी एक लिंगी जंतुओं का लिंग निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। यानी इन्होंने बताया जितने भी एक लिंगी जंतु होते हैं इनका लिंग निर्धारण गुणसूत्रों के ऊपर ही निर्भर करता है, तथा इनकी वंशागति मेंडल के नियमों के अनुसार होती है। मतलब मैकलंग ने बताया कि एक लिंगी जंतु में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करेगा। तो ये तो हुई कुछ जानकारी लिंग निर्धारण अथवा सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। चलिए अब मनुष्य में लिंग निर्धारण अथवा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन के बारे में समझ लेते हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मनुष्य की प्रत्येक कायिक तथा जनन कोशिकाओं में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अर्थात मनुष्य की हर कोशिका में
46 गुणसूत्र होते हैं और ये जोड़ों में होते हैं। जोड़ों में देखा जाए तो 23 होते हैं। इनमें से 44 गुणसूत्रों के 22 समजात जोड़े होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि 46 गुणसूत्रों में से 44 गुणसूत्र के जोड़े एक ही जाति के होते हैं अथवा 44 में प्रत्येक जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक ही जैसे होते हैं और इन पर केवल दैहिक लक्षणों के जीन पाए जाते हैं। 44 गुणसूत्र समजात होते हैं, इन गुणसूत्रों को ऑटोसोम्स कहा जाता है। देखिए अब 44 गुणसूत्र तो हो गए हैं, शेष बचे दो गुणसूत्र यानी एक जोड़ी गुणसूत्र शेष बचे हुए हैं, तो शेष एक जोड़ा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं अथवा सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। मतलब ये गुणसूत्र केवल लिंग निर्धारित करते हैं और जंतुओं में इनका केवल एक जोड़ा ही पाया जाता है। पुरुष तथा स्त्री में इन गुणसूत्रों का यह जोड़ा एक दूसरे से भिन्न होता है, अर्थात नर में ये दूसरी तरह से और मादा में दूसरी तरह से पाए जाते हैं। पुरुष में इस जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी जो 23वें जोड़े वाले गुणसूत्र होते हैं वे नर में अलग अलग आकार के होते हैं। एक गुणसूत्र छोटा तथा दूसरा बड़ा होता है जिन्हें हेट्रोसोम्स या एलोसोम्स कहा जाता है। बड़ा गुणसूत्र एक्स वाला तथा छोटा गुणसूत्र वाई कहलाता है, यानी बड़ा वाला गुणसूत्र जो होता है उसे एक्स कहते हैं और छोटे वाले गुणसूत्र को वाई कहा जाता है। मादा में ये दोनों लिंग गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, यानी स्त्री में दोनों लिंग गुणसूत्र समजात होते हैं, ये एक्स प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से पुरुष की जनन कोशिकाओं में 22 जोड़ा गुणसूत्र समजात और एक जोड़ा गुणसूत्र विषमजात होते हैं और ये दोनों मिलकर के कुल 46 गुणसूत्र पुरुष में पाए जाते हैं। ऐसे ही स्त्री में यानी स्त्री की जनन कोशिका में 22 जोड़ा समजात और 23वां जोड़ा भी समजात ही होता है। इस प्रकार दोनों मिलकर के स्त्री में भी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार से मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं और नर में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। बता दें कि मनुष्य में लड़के अथवा लड़की का निर्धारण इन्हीं लिंगी गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। एक्स गुणसूत्र मादा निर्धारक है और वाई गुणसूत्र नर निर्धारक होता है, यानी एक्स गुणसूत्र लड़की का निर्धारण करता है और वाई गुणसूत्र लड़के का निर्धारण करता है। जब पुरुष की जनन कोशिकाएं वृषण या टेस्टिस में शुक्राणुओं अथवा स्पर्म का निर्माण करती हैं तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अथवा मियोसिस द्वारा एक जनन कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो इनमें से 2 शुक्राणुओं में 22+X=23 गुणसूत्र तथा अन्य 2 शुक्राणुओं में 22+Y=23 गुणसूत्र होते हैं। मतलब ये हुआ कि पुरुष में बनने वाले सभी शुक्राणुओं में आधे गुणसूत्र एस प्रकार के या मादा प्रकार के होते हैं और अन्य आधे गुणसूत्र वाई प्रकार के या नर प्रकार के होते हैं। मतलब मनुष्य में जितने गुणसूत्र बनते हैं उनमें से आधे एक्स अथवा मादा की तरह के होते हैं और आधे वाई अथवा नर की तरीके के होते हैं। जबकि स्त्रियों में दोनों लिंग गुणसूत्र समान होते हैं, मतलब स्त्रियों में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में अंड निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन के बाद सभी अंडे एक ही प्रकार के होते हैं, अर्थात स्त्रियों में मियोसिस के बाद एक्स प्रकार के ही गुणसूत्र उत्पन्न होते हैं। चलिए अब चित्र के माध्यम से आपको लिंग निर्धारण कैसे होता है समझा देते हैं। तो ये देखिए, ये पुरुष की जनन कोशिका है और ये स्त्री जनन कोशिका है। जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ या मियोसिस हुई तो 50% एक्स अर्थात मादा वाले तथा 50% वाई अर्थात नर वाले गुणसूत्र बने और स्त्री में मियोसिस के बाद सभी गुणसूत्र एक्स प्रकार के होते हैं। अब दोनों के बीच निषेचन हुआ तो निषेचन के समय 2 प्रकार के शुक्राणुओं में से जब एक्स शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है
तो उससे लड़की उत्पन्न होती है, मतलब जब पुरुष का एक्स शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो लड़की पैदा होती है, और इसी प्रकार से जब पुरुष का वाई शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो लड़का उत्पन्न होता है, अर्थात जब पुरुष का वाई शुक्राणु अंडे को निषेचित करेगा तब लड़का उत्पन्न होगा। इस प्रकार से स्पष्ट हुआ कि पुत्र या पुत्री की संभावना सदैव 50-50% ही रहती है, यानी 50-50% रहती है। इस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। आशा है आप सभी लोगों को लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है और मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।